दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरीके के वीडियो कैसे आप बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया पर जाना है और यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड को ले लेना है, जिसका लेंथ हमें 18 सेकेंड तक रखना है, जितना कि हमारा वीडियो बनके तैयार होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है। स्प्लिट स्क्रीन को यहाँ से फुल स्क्रीन पर रख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आप इसके कलर को एडजस्टमेंट कर लीजिए। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उसके कलर को अच्छी तरीके से बढ़ा कमा सकते हैं। और कलर एडजस्टमेंट करने के बाद आप इसे एक बार प्ले करके देखेंगे तो ये है हमारा टेम्पलेट, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ से लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। यहाँ से हमें एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस इमेज को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हम यहाँ से इसे नीचे जाएंगे। नीचे हमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। हम इसके कलर को एडजस्टमेंट कर लेंगे, जितना हमें पसंद हो उतना आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ कलर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ इसके कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जिससे ये इमेज काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। कलर एडजस्टमेंट करने के बाद हम इस इमेज के लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ मैच कर लेंगे। उसके बाद हम इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करके हम स्क्रीन के बीचों बीच बैठा लेंगे। उसके बाद आपको इस इमेज के पहले लेंथ से 3.5 सेकंड तक आगे जाना होगा। 3.5 सेकंड तक आगे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में चाबी का आइकन दिखेगा। आपको उस चाबी के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद हम इस इमेज को थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हम इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेंगे। पूरा जूम करने के बाद हम यहां से इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। ये देखिए, हमारा वीडियो इस तरीके से प्ले होगा। प्ले होने के बाद उसके बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट करिए। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से इन एनिमेशन पे जाइए। इन एनिमेशन पे आपको फेड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद फेड के ऑप्शन पे जाने के बाद 0.5 पे आप चले जाइए। 0.5 रख देंगे। उसके बाद हम इसे एक बार प्ले करेंगे। ये देखिए, हमारा वीडियो इस तरीके से प्ले होगा। तो इस तरीके से वीडियो प्ले होने के बाद फिर से आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको गोल आइकन दिखेगा। उस गोल आइकन के थोड़ा आप बाद जाइए। उसके बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और उसी इमेज को फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको मार्क्स को इनेबल कर लेना है। मार्क्स को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ फेदर का ऑप्शन मिलेगा। फेदर को आपको 30 तक बढ़ा लेना है। फेदर को 30 तक बढ़ाने के बाद आपको इस इमेज को स्क्वायर शेप में अच्छी तरीके से क्रॉप कर लेना है। स्क्वायर शेप में क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद इस इमेज को आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट पे आपको कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, जैसा हमने पिछले इमेज में किया था उसी तरीके से इस इमेज में भी हमें कलर एडजस्टमेंट कर लेना है। दोनों में हमें सेम करना होगा। उसके बाद इस इमेज को आपको थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में इस इमेज को बैठा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट का आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक कर देना है, जिससे ये इमेज पहले वाले इमेज के पीछे चला जाएगा। उसके बाद इस इमेज को अच्छी तरीके से आप बैठा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर आना है। ऊपर आपको इन एनिमेशन पे जाना है। इन एनिमेशन पे आपको नीचे जाना है। नीचे आपको स्लाइड लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से
थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस इमेज को डुप्लीकेट कर लेना है। इस इमेज को डुप्लीकेट करने के बाद आप इसी इमेज को फिर से आप लेफ्ट साइड में उसी तरीके से बैठा लीजिए जैसा आपने राइट साइड में बैठाया है। लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से बैठाने के बाद आपको इन एनिमेशन पे जाना है। इन एनिमेशन पे आपको स्लाइड राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आउट एनिमेशन पे जाना है। आउट एनिमेशन पे आपको स्लाइड लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले आना है। उसके बाद राइट वाले इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आउट एनिमेशन पे जाना है। आउट एनिमेशन पे आपको स्लाइड राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है। उसके बाद लेफ्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेंड टू बैकवर्ड पे चले जाना है, जिससे ये इमेज पहले वाले इमेज से पीछे चले जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड करने के बाद इस इमेज को आप अच्छी तरीके से आप लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। उसके बाद आपको इस इमेज के लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ मैच कर लेना है और राइट वाले इमेज को भी आप वीडियो के लेंथ के साथ मैच कर लीजिए। हम अपने वीडियो को एक बार प्ले करके देखेंगे कि हमारा वीडियो कितना बन के तैयार हुआ है। तो यह हमारा वीडियो इस तरीके से आएगा और दो इमेज इस तरीके से दोनों तरह से आएंगे। हमारा वीडियो एडिटिंग इतना ही हुआ है और आगे की एडिटिंग के लिए हम इन दोनों इमेज के फर्स्ट वाले पार्ट पर जाएंगे और यहाँ से हम 3 सेकेंड आगे जाएंगे। 3 सेकेंड आगे जाने के बाद हम राइट वाले इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। राइट वाले इमेज को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। राइट वाले इमेज को डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ से इन एनिमेशन पे जाएंगे। इन एनिमेशन पे हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ से हम नॉन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आउट एनिमेशन पे जाएंगे। आउट एनिमेशन पे हम नॉन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस इमेज को बिंग टू बैकवर्ड कर देंगे, यानी कि इन तीनों इमेज के सबसे पीछे ये इमेज चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये इमेज सबसे पीछे चला गया है। उसके बाद हम इस इमेज को छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इन दोनों इमेज के बीचों बीच इसे बैठा देंगे, उसके गैप वाले जगह पर इसे बैठा देंगे। उसके बाद हम इस इमेज को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इस इमेज को हम ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देंगे। बैकवर्ड करने के बाद इस इमेज को भी हम लेफ्ट साइड में इन दोनों इमेज के बीचों बीच हम अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। इमेज को अच्छी तरीके से बैठाने के बाद हम इन एनिमेशन पे जाएंगे। इन एनिमेशन पे हम स्लाइड टू राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन एनिमेशन पे हम स्लाइड टू राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आउट वाले एनिमेशन पे जाएंगे। आउट एनिमेशन पे स्लाइड लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से राइट वाले बैक इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन पे जाएंगे। इन एनिमेशन पे स्लाइड लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आउट एनिमेशन पे जाएंगे। आउट एनिमेशन पे स्लाइड राइट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा इमेज पूरी तरीके से यहाँ सेट हो चुका है। अब हम पीछे वाले दोनों इमेज को हम ट्रिम कर लेंगे। यहाँ हम ट्रिम लेफ्ट वाले ऑप्शन को करेंगे। दोनों इमेज को आपको ट्रिम कर लेना है। पीछे वाले दोनों इमेज को आप ट्रिम कर लीजिए। यहाँ मैंने ट्रिम कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ नीचे जो इमेज है यहाँ मैंने ट्रिम कर लिया। इसे एक बार प्ले करते हैं। ये है हमारा वीडियो प्ले हुआ, दो इमेज आया और पीछे वाला बैकग्राउंड में भी दो इमेज आया। आने के बाद हम यहाँ 12 सेकंड पे जाएंगे। 12 सेकंड पे हम पीछे वाले दोनों इमेज को फिर से ट्रिम करेंगे और यहाँ हम ट्रिम राइट वाले ऑप्शन को करेंगे, यानी कि राइट वाले पार्ट को करेंगे। ट्रिम टू राइट, पीछे वाले दोनों इमेज को ट्रिम टू राइट कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक बार हम इसे एक बार प्ले करेंगे। ये देखिए ये वीडियो प्ले हुआ और पीछे वाला दोनों इमेज चला गया। उसके बाद हमें ऊपर आना है। ऊपर में दो इमेज है। ऊपर वाले दोनों इमेज को भी हमें ट्रिम कर लेना है। 1 सेकंड पे आप जाइए और पीछे वाले दोनों इमेज को ट्रिम कर लीजिए। राइट वाले ऑप्शन को ट्रिम कर लेना है। उसके बाद फिर से एक बार हम प्ले करते हैं। ये देखिए प्ले हुआ और पीछे वाला दो गया, सामने वाला भी दो चला गया। अब रहा सबसे फर्स्ट वाला इमेज। उसके लिए सबसे ऊपर हम जाएंगे। यहाँ हम फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ताले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे वीडियो के
वीडियो के लास्ट पे जाने के बाद हम इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेंगे, जूम करके स्क्रीन के बीचों बीच बैठा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से एक बार हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। तो हम एक बार इसे प्ले करते हैं, ये देखिए दो इमेज गया, ये भी गया, और फर्स्ट वाला इमेज जो है वो जूम होके स्टॉप हो जाएगा। यही है हमारा वीडियो। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबसे नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि बैक वाले दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ नीचे जाना है, नीचे ब्लेंडिंग पे जाना है और ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है। और लेफ्ट वाले इमेज को भी आपको सिलेक्ट करना है और नीचे जाना है, नीचे ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है, जिससे ये दोनों इमेज बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको और एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, नीचे आपको एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे जाना है। एडजस्टमेंट पे आपको इसके कलर को अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। कलर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे ब्लेंडिंग पे जाना है, और यहाँ से ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है। ब्लेंडिंग टू स्क्रीन करने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे कि हमारा वीडियो कैसा बन के तैयार हुआ है। तो यह है हमारा वीडियो, ये देखिए प्ले हो रहा है। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से बैक में भी दो इमेज आए और बैक में दो इमेज चले भी गए, ये देखिए चले गए, और सामने वाले भी चले गए, और फ्रंट वाला जूम हो गया है। और इतना हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। अब इसके जो बादबाकी पार्ट है, उसे हम ट्रिम कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम अच्छी तरीके से पूरा का पूरा ट्रिम कर लेंगे, बैकग्राउंड भी हम ट्रिम कर लेंगे। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर लेना है, सभी पार्ट को आप ट्रिम टू राइट कर लेना है। तो हमारा वीडियो पूरी तरीके से बन के अब तैयार हो चुका है। उसके बाद आप अगर चाहे तो इसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को। वीडियो एक्सपोर्ट करके आप इसे एक बार प्ले करके देख लीजिए।